आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ ज्यादा सबके अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जी हां, शिरा सरकार ने गेहूं के स्लॉट की बुकिंग की डेट आगे बढ़ा दी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब किसान 17 अप्रैल तक स्लॉट की बुकिंग www.mpupajan.nic.in पर जाकर करा सकेंगे। पूर्व में स्लॉट बुकिंग की तारीख 13 अप्रैल थी। स्लॉट बुकिंग के बाद किसानों को 7 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचना होगा। किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग लगातार जारी है। इसी बीच छुट्टियां पड़ने के चलते किसानों को बड़ी राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 17 अप्रैल कर दी गई है। खास बात यह है कि किसान खुद के मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। किसान एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायत लोक सेवा केंद्र इंटरनेट कैफे खरीदी केंद्र से भी बुकिंग हो सकेगी। इसके अलावा महावीर जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के बाद अब गुड फ्राइडे के चलते भोपाल की करोड़ मंडी आज शुक्रवार को भी बंद रहेगी। शनिवार को अनाज खरीदा जाएगा, रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, फिर मंडी सोमवार को खुलेगी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक स्लॉट बुक होगा। बता दें कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष से 40 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। इस साल 2022 में गेहूं उपार्जन के लिए 19,81,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो विगत वर्ष का 80% है। इसमें कुल रकबा 42.24 लाख हेक्टेयर है, जो विगत वर्ष से 84% अधिक है। उपार्जन सोमवार शुक्रवार तक प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक एवं 2 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में 4,663 केंद्र बनाए गए हैं। तो ये था आज का अपडेट। लगातार ऐसे अपडेट पाने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।